मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन में 85/2024 ये 363 का एक गुना रजिस्टर था, जिसमें जनवरी महीने में एक 12 साल का बच्चा मिसिंग हुआ, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन हमको मिला था। उसके अनुसंग में हमने ये किडनैपिंग का गुना दाखिल हुआ था। आफ्टर 2 मंथ हमको इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि उस बच्चे का मर्डर हुआ है, और जो जिसने मर्डर किया हुआ है वो आरोपी उनके एरिया में रहने वाला था। जब वो पुलिस के सामने लाने की लोगों ने कोशिश की तो यहाँ से भाग गया था, और वो जम्मू कश्मीर से लेके 21 तारीख को वो दिल्ली आया था। हमको लोकल दिल्ली के इन्फॉर्मर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, तब हमने दिल्ली पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट करवाया, और फिर मुंबई जब लाया तो उसको 31 अभी अगस्त तक उसको पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने दिया है। इन द इन्वेस्टिगेशन उसने माननीय कोर्ट के सामने ये मर्डर किया हुआ ऐसा कबूली जवाब भी दिया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसका जब बैकग्राउंड हमने चेक किया तो वो कन्विक्टेड आरोपी है कलकत्ता में, उसके वाइफ का उसने मर्डर किया था और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की शिक्षा हुई थी। वहाँ से वो पैरल जम करके कलकत्ता से मुंबई भाग के आया था। इसकी कोई जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन अब हम कलकत्ता पुलिस के संपर्क में है, और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हमारा होने के बाद हम कलकत्ता पुलिस को भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखो, हमने 9 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम 9 राज्यों में जाके रुकी थी, ज़्यादा से जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में। 2-2, 3-3 महीने हमारे ऑफिसर्स वहाँ रुके थे, उनने पूरा वहाँ का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क शुरू किया था, उनको पूरा दिल्ली के हर मूवमेंट का पता था। आरोपी का बैकग्राउंड वो ऐसा था कि उसने पूर्व पुलिस की पूरी इन्फॉर्मेशन उसको पता थी, तो वो अपने आप को एकदम कैमोफ्लेज करके रखता था, और पुलिस से कैसे बचे उसका पूरा नॉलेज उसको था, और इस तरह से वो कहीं छोटी छोटी जगह पे काम करता था। जब ये 21 तारीख को दिल्ली आया तो हमने दिल्ली पुलिस के माध्यम से इसको अरेस्ट करवाया। ये ओरिजिनल कलकत्ता का है, लेकिन जब मैक्सिमम उसने जो काम किया है वो पिम का काम करता था, वो दिल्ली और मध्य प्रदेश में किया है, और उसकी वाइफ भी उसके मर्डर के आरोप में उसको लाइफ लगी है। अभी तो उतने इतने इन्फॉर्मेशन हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो बाद में जितने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको शेयर किया जाएगा।